एक रुपए का एक है। और यार सब्र नहीं हो रहा क्योंकि भूख लग रही है ना। सवा बजी गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम चकाचक होंगे। तो आज है सैटरडे, यानी कि छुट्टी का दिन, हस्बैंड की छुट्टी आज। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:15। जीनू उठ चुकी है, जीनू ने अपना दूध फिनिश कर दिया, थोड़ा सा रह गया बटू एक पी लो, थोड़ा सा जीनू ज़रूर छोड़ती है एंड में। तो यार पता है रात से बारिश, इतनी बारिश हो रही है ना, इतनी बारिश हो रही है, मतलब बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है रात से, बिजली जो कड़कती है ना वो वाली हो रही है। मैं फिलहाल यार चाय लेके आई हूँ और मैं सोच रही हूँ चाय से ब्रेड व्रेड या कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि कल से फास्ट है मेरा, तो खाली पेट चाय तो नहीं पीऊँगी वरना गैस बन जाएगी, तो इसलिए कुछ खा लेती हूँ, उसी का जुगाड़ कर दी हूँ। हस्बैंड चाय पी के चले गए वॉशरूम, जी हूँ फ्री हो गई दूध पी के, और अब मैं रह गई हूँ बस चाय पीने के लिए। तो मेरी चाय रखी है, मेरी चाय, ब्रेड का देखती हूँ सैंडविच बना लेती हूँ। तो यार जैसा कि मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि ना सफाई रह गई है, मतलब थोड़ी जितनी हो पाई उतनी तो मैंने कर दी, बट जो उनमेर से नहीं हो पाती तो मैंने आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो उनको लगा दिया काम पे, चाय वाय से उनको नाश्ता करा के फ्री कर दिया। और फ़ैन गंदे हो गए थे काफ़ी टाइम से, साफ़ नहीं हुए, तो और आपको तो पता ही है हवा चलती है ना, मतलब पंखा चलता है तो और ज़्यादा जल्दी गंदा होता है, तो बस वही मैंने कहीं साफ़ कर देंगे अच्छी तरह से हो जाएगा। और वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं और सब लोग मेहमान वगैरह भी आएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड लग चुके हैं, फ़ैन साफ़ कर दिया उन्होंने और एसी की बारी है, तो एसी पहले तो बाहर से साफ़ कर रहे थे बट फिर अंदर खोल के देखा तो वही बहुत गंदा हो गया था विंडो वगैरह, तो उसकी जो जाली होती है ना एसी के अंदर वो काफ़ी गंदी हो गई थी, तो फिर हस्बैंड ने वो भी खोल के वो भी साफ़ कर दिया अच्छी तरह से। तो एसी काफ़ी अच्छा कूलिंग कर रहा है, मतलब पहले से तो यार बहुत बेटर हो गया, इतनी धूल मिट्टी जम गई थी उसके अंदर क्योंकि साफ़ नहीं किया था हमने। एक बार सर्विस करवाई थी ना, एक बार नहीं काफ़ी सर्विस तो हो चुकी है दो बार, बट अभी कुछ टाइम 3-4 महीने हो गए शायद उससे पहले करवाई थी हमने, जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तभी करवाई थी, तो उसके बाद से फिर साफ़ नहीं हुआ, तो ये देखो यार बहुत गंदा हो गया था, तो इसलिए फिर हस्बैंड ने इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर दिया। तो बहुत फ़र्क पड़ता है एसी साफ़ कर लो तो कूलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, तो वही आजकल अच्छी हो रही है। और मैं लग चुकी हूँ अपने काम में, अंदर की हो गई थी सफाई तो मैंने कहा जो भी गिरा हुआ है डस्ट गिर गया था काफ़ी, तो फिर मैं वो साफ़ करने में लगी हूँ। बेडशीट तो ऐसे मुझे हटानी है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ और कपड़ा नहीं बिछाया, ये मैंने कहा इसी पे गिरने दो क्योंकि वैसे भी धोनी है, गंदी हो गई है, तो यहाँ पर मैंने कहा बेड साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद बेडशीट जो है वो बाद में चेंज करूँगी। तो बस यहाँ पे अब ये साफ़ हो गया था बेड, उसके बाद फिर मैंने बेडशीट उठा के उसको आराम से उठा के बाहर झाड़ दिया था, अंदर नहीं झाड़ा था क्योंकि दोबारा से फिर धूल मिट्टी जम जाएगी क्या फ़ायदा, तो बाहर झाड़ के फिर मैंने उसको मशीन में डाल दिया था, इनका धुल जाएगी साथ के साथ। और दूसरी चादर मैंने बिछाने के लिए निकाल दिया बट अभी बिछा ही नहीं है, पहले साफ़ सफ़ाई ठीक से हो जाए तब बिछाऊँगी मैं। तो ये बाहर वाली विंडो भी काफ़ी गंदी हो गई थी तो मैंने कहा हस्बैंड से कि ये भी साफ़ कर देंगे, तो वो भी साफ़ कर रहे हैं। और यार फैमिली में कोई बंदा मतलब साथ दे दे तो काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है, चाहे बच्चे हों चाहे हस्बैंड हो या जो भी फैमिली में इंसान हो, तो सबको मेरा सोचना तो यही कि सबको मिलके काम करना चाहिए, तो जितना टाइम मिले अपना जैसे कर पाएँ वैसे करना चाहिए, क्योंकि अकेले यार अकेले सफाई होती नहीं है, जब तक साथ में लोग ना लगे ना कोई तब तक सफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्या फ़ायदा आप सफाई करते रहो दूसरा बंदा फिर वही गंदगी करे, तो इसलिए सबको साथ देना चाहिए। ये वाली वॉल तो जैसे कि मैंने बताया ना कल मैंने साफ़ कर दी थी बट मैंने वो नीचे नीचे से कर दी थी, तो हस्बैंड वो सीढ़ी ले आए तो सीढ़ी लगा के पूरा ऊपर तक अच्छी तरह कर देंगे कॉलिन से। तो यार अभी अंदर की तो सफाई हो गई थी, हस्बैंड ने साफ़ कर दिया, तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ अपना काम खत्म करती चलती हूँ साथ साथ में, तो ये मोटा मोटा जो था ना मैंने कहा इसको यहीं पे भर लेते हैं क्योंकि बाहर तक ले जाएंगे तो पूरे में फैलेगा वो, और वैसे भी ये जो होता है ना जाला से ही जो भी होता है झाड़ू में चिपक जाता है छूटता नहीं है, तो फिर मैंने इसको यहीं पर भर दिया और उसके बाद फिर झाड़ू लगा दी पूरे में अच्छी तरीके से। तो सफाई ऑलमोस्ट अंदर की तो हो चुकी है, बाहर की रह गई है, तो बाहर की हस्बैंड कर रहे हैं, जो शीशा आ रहा है उस गंदा हो गया था बाहर का भी तो उसे साफ़ करें, और वहाँ तक नहीं यार मैं पहुँचती नहीं और सीढ़ी ऊपर नीचे से कौन लाए, तो इसलिए मैं तो कर नहीं पाती, यही करते हैं जब करते हैं तो बस कॉर्नर कॉर्नर से अच्छी तरह इन्होंने तो खूब अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, क्योंकि यार वैसे तो करते नहीं है बट ये करते हैं तो फिर अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं,
तो बस अब लग चुके हैं, तो फिर वो सब कुछ पहुंच देंगे अच्छी तरीके से, मतलब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर बाद में जब लग जाते हैं ना तो फिर उनको सब दिखाई देता है, तो अपने आप करते चले जा रहे हो। और मैं झाड़ू में लगी हूँ, क्योंकि झाड़ू कॉर्नर कॉर्नर से ना टेबल की साइड से अच्छे से निकाल रही हूँ, क्योंकि निकाल नहीं पाती हूँ वैसे, जब हस्बैंड वर्क करते हैं ना वहाँ पे बैठ के तो हो नहीं पाता, तो इसलिए आज वहाँ से कॉर्नर से भी निकाल दिया मैंने। और ये अब ये जाली वाला जो गेट है इसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जाली वाला गेट मोस्टली बंद होता है, तो यहाँ पर ना धूल मिट्टी बहुत जम जाती है, बहुत ज़्यादा जाली में जमी हुई है, तो हस्बैंड वही ऊपर ऊपर से ठीक से साफ़ कर रहे हैं, जितना हो रहा है उतना कर दे रहा हूँ। और बस यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है, और मैंने ये धो दिया, विंचैम भी धो दिया, और ये नेम प्लेट है हमारे नाम की है, तो ये भी साफ़ कर दिया। और ये ना हस्बैंड के फ्रेंड ने बनवा के दी थी नेम प्लेट, आई थिंक गोवा से ही, हाँ गोवा से ही उन्होंने दी थी, बनवाई थी तो गिफ्ट करी थी, तो मेरे को अच्छी लगती है आशीष ज्योति नाम लिखा है इस पर, तो मैं इसको मेन गेट पे लगा के रखती हूँ, काफ़ी टाइम से लगी हुई है ये, बहुत टाइम हो गया इसको। और अब मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ, पोछा तो मैंने नहीं लगाया, पोछा लगाऊंगी बाद में, बट झाड़ू लग चुकी है तो मैंने कहा इसको बिछा देती हूँ, अब अच्छी नहीं लगती ऐसे गद्दा खाली पड़ा है, तो बस यहाँ पर नई वाली बेडशीट बिछा दी मैंने, क्योंकि फेस्टिवल यार वैसे भी, तो मैंने कहा नई वाली बिछाते हैं आज, तो ये वही है जो हमने मंगाई थी सोलिमो की, और इसका फील यार बहुत अच्छा रहा है, मतलब हमने जितनी भी सोलिमो की मंगाई ना बेडशीट, फील बहुत अच्छा होता है इनका, और यार कलर भी सही लगाता, ज़्यादा वैसा नहीं है चटक सा जो होता है ना आँखों में लगता है, तो वैसा नहीं है, तो इसलिए हमें ये सही लगी थी। तो बस यार बेडशीट बिछाने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोग बैठ गए, क्योंकि थकान हो गई थी बहुत, और देखो इनके तो पसीने छूट गए थे अच्छी तरह, तो बैठ के उसके बाद फिर मैं लगूँगी पोंछे में, और अभी तो यार मैं नीचे भी नहीं पहुँच पाई हूँ, मतलब रोटी सेकने के लिए आज इसी में ही काफ़ी टाइम लग गया, तो नीचे जाके देखूँगी बाद में। और यहाँ पे अभी ना यही बात कर रहे हैं हस्बैंड की, जो हमारी पिंक वाली बेडशीट है वो भी सोलिमो की है, तो उसका अच्छा है, उसका भी फील अच्छा है, और इनके जो कलर होते हैं ना थोड़े लाइट ही होते हैं कलर, ऐसे नहीं होते डार्क वाले नहीं होते, तो छूटने का भी डर नहीं रहता, वॉशिंग मशीन में कई बार मैंने धो दिया उसको, बट उसका भी कलर नहीं निकला पिंक वाली का, और इसका भी शायद नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी कलर थोड़ा फेड सा है, और वैसे जब डार्क होते हैं ना कलर उनके ज़्यादा जल्दी निकलते हैं, और ये मैच भी कर रही थी हमारी वॉल से, मतलब क्रीम कलर की वॉल है और हमारी वैसी है स्काई ब्लू, तो ये मैच कर रहा था पूरा कॉम्बिनेशन, तो अच्छा लग रहा है हम लोग वही बातें कर रहे हैं बैठ के। तो यार अंदर तो पोछा लग गया सब में, जीना रह गया था, जीना साफ़ कर रही हूँ, और साथ में रेलिंग भी साफ़ करती आ रही हूँ मैं पोछा धो धो के, मैंने कहा हाथ लगे हाथ में जितना हो जाता ना उतना हो जाता है, तो रेलिंग पे मिट्टी विट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा ये भी पोंछ ही देती हूँ साथ साथ में, तो वो भी साफ़ हो गई है। बस यहाँ पर पोछा वोछा लगा के फिर मैं खाना पीना देखती हूँ जाके, और यार खाने के लिए फिर बाद में ये और डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो है बाहर लंच करने जा रहे हैं, हस्बैंड का मन था, काफ़ी टाइम से हमने बाहर कुछ खाया नहीं था ऐसे, लंच प्रॉपर लंच नहीं किया था बहुत टाइम हो गया, तो उन्होंने बोला चलो आज लंच करके आते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो वही मैं रेडी हो रही हूँ, इनका फटाफट से रेडी होकर निकल लेते हैं, हमारे पास में घर के पास में रेस्टोरेंट है तो वहीं चले जाएंगे, और भूख का टाइम भी हो गया था यार, तगड़ी वाली भूख लग रही थी, तो बस हम लोग निकल गए, हम लोग आ चुके हैं लंच करने के लिए, लव यू, तो वेट कर रहे हैं, ऑर्डर दे दिया हमने अभी स्टार्टर में पनीर टिक्का, तो अभी वही नहीं आया, थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, और यार सब्र नहीं हो रहा क्योंकि भूख लग रही है ना, सवा बज गया, सवा एक हो गया, सुबह से सैंडविच खा हुआ है बस, तो वैसे लंच के टाइम तो यही है, बट फिर भी, और हमने लंच भी ऑर्डर कर दिया, पनीर बटर मसाला और भी आ गया, बीच में रखते हैं इसको, मजेदार। चलो भाई बोलते ही आ गया एकदम से, अब फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं, वैसे यहाँ का बहुत टेस्टी होता है, मेरे को तो हमेशा अच्छा लगता है इनकी तो फेवरेट जगह है ये, तभी यहीं पे लेके आते हैं, और यहाँ पे ना शांति रहती है, एमबीएस भी बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यार हमारा लंच भी आ गया और ये हमने फिनिश कर दिया। मज़ा आ गया और ये भी हमने पनीर की डिश बन रही है आज। हम क्वांटिटी भी सही होती है। हाँ आज हम पनीर खाने वाले हैं। ये है पनीर बटर मसाला, बटर डाला हुआ है, पनीर बटर मसाला। रोटी हमने नॉर्मली मंगाई यार, बहुत हैवी हो जाता है। तो यार हम लोग खा चुके हैं और पेट हो चुका है फुल। बहुत ज्यादा भर गया पेट। रोटी तो हमने तीन ही दी, रोटी नहीं ज्यादा, बट वो पनीर जो था ना वो बहुत हो गया। सब्जी भी बहुत ज्यादा थी, क्वांटिटी बहुत अच्छी थी सब्जी की, तो वो भी सारी फिनिश कर दी फिलहाल में। अब बस घर को निकलते। मजा आ गया, अब सो जाओ। घर पे आके सोएंगे बस आराम से। तो यार वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए मार्केट में, कुछ शॉपिंग करनी थी, मतलब राखी वगैरह लेनी थी, क्योंकि जीनू बांधती है वैभव किट्टू के। तो मैं तो अपनी राखी खैर वहीं मायके में दी आई थी, अभी गई थी तो भाइयों को, तो जीनू के लिए लेनी थी मुझे राखी। तो बस मैंने कहा मार्केट में राखी भी लेते हुए चलते हैं, बार बार फिर कहाँ निकलना होता है, तो वही देख रहे हैं हम लोग। ये भैया कितने का बताया? 1 रुपये का एक है। भैया पूजा वाले धागे देना अभी दे और ये वाले कर देना। ऑरेंज कलर में नहीं है ये वाले? ऑरेंज में यही बड़े ऑरेंज में खत्म हो रही है। और इससे अच्छे में नहीं है कोई धागे? धागे तो पूजने के लिए ये चलते हैं। और यार मार्केट में काफ़ी भीड़ थी, पूरा मेला सा लगा हुआ था और लोगों ने काफ़ी कुछ बाहर लगा लिए थे। डॉल देखो कितनी सारी डॉल लगा रखी थी बाहर। और यार भीड़ हो भी क्यों ना, फेस्टिवल पे ही तो होती है, और भीड़ नहीं होगी तो फेस्टिवल का मज़ा भी नहीं आता, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ चला गए, त्यौहार कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पर हमने पूजा के धागे भी ले लिए हैं, पूजा के धागे चाहिए थे, और अब हम निकल रहे हैं घर को वापस। और ब्लॉग का एंड भी कर रही हूँ मैं आज यहीं पे। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। बाकी मिलते हैं आपसे कल दोबारा, और हैप्पी रक्षाबंधन आपको दोबारा से, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, इन्जॉय करिए।